तो दोस्तों, सफलता उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। सफलता तो उन्हें मिलती है जो अपने ख्वाबों को पूरा करने में हर हाल में अपनी जिद पे अड़े होते हैं। हेलो एवरीवन, स्टडीएस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा, और वापस आ गया हूं द हिंदू की खबरों के साथ। आज डेट है जुलाई 25, 2019, और डे है थर्सडे। न्यूज़पेपर डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, मैं अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक वेरीफाइड एज वेल एज प्लस एडुकेटर हूं। अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे मैं यूपीएससी के लिए डेली करंट अफेयर्स शो लेकर आता हूं। तो अगर आप लोग अनअकैडमी के प्लस मॉडल की तरफ मूव कर रहे हैं और आपको चाहिए मैक्सिमम डिस्काउंट, एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए, तो नीचे दिया गया है मेरा टेलीग्राम लिंक, वहाँ पर मुझसे संपर्क करना ना भूलिएगा। कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, कल का सवाल था आरटीआई अमेंडमेंट बिल 2019 से रिलेट करते हुए। तीन स्टेटमेंट थी। पहली स्टेटमेंट कह रही थी कि एज पर द अमेंडमेंट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, जिनका अभी जो टेन्योर है वो 5 साल का है, उनका जो टेन्योर है उसे कम करने की बात की जा रही है। उनके जो टर्म्स हैं, सैलरीज हैं, कंडीशंस हैं, वो कम करने की बात की जा रही है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रही थी कि जो हमारी इलेक्शन कमीशन है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक संवैधानिक बॉडी है। ऑन दी अदर हैंड, दी सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन एंड दी स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन आर स्टैट्यूटरी बॉडी। ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन और सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन को हम लोगों ने आरटीआई एक्ट 2005 के अंदर बनाया है। तीसरी स्टेटमेंट है, द बिल रिमूव्स द प्रोविजन that the public information officers are required to provide information to an RTI applicant within 30 days of the request. ऐसा कुछ नहीं है कि ये बिल यहाँ पर इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा A1 and 2 ओनली। आपके लिए आज का सवाल रिलेट करता है सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सैट सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल स्टैंड्स ट्रू। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि जो पहली सेट है उसको 1995 के अंदर बनाया गया था थ्रू अ नोटिफिकेशन जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किया था। इस वजह से ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको इस्टेब्लिश किया गया अंडर द प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। दूसरी स्टेटमेंट है कि जो सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल है उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही बेंच है जो कि मुंबई के अंदर है, बट उसकी जो ज्यूरिसडिक्शन है वो ऑल ओवर इंडिया है। तीसरी स्टेटमेंट है कि एवरी प्रोसीडिंग बिफोर द सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल इज डीम्ड टू बी अ जुडिशियल प्रोसीडिंग एंड द ट्राइब्यूनल हैज ऑल द पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट। तो मतलब सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल एक सिविल कोर्ट की पावर भी अप्लाई करती है और इस वजह से वह इंपॉर्टेंट क्वाजी जुडिशियल बॉडी हो जाती है। आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है, A1 and 2 ओनली, B2 and 3 ओनली, C1 and 3 ओनली, या D ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से अपने अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू की खबरों के साथ। पेज नंबर 1, पहली खबर मिलती है, अपोजिशन वांट्स सेलेक्ट पैनल स्क्रूटनी ऑफ की बिल्स। रिसेंटली मैंने आपको द हिंदू के अंदर एक रिपोर्ट पढ़ाई थी, उस रिपोर्ट के हिसाब से टोटल 22 बिल्स इस बार हमें पार्लियामेंट्री सेशन में अभी तक पेश होते हुए नजर आए, जिनमें से 11 बिल्स पास हो चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पर पार्लियामेंट के स्टर्म्स में रही, बट यहाँ पर किसी भी कमेटी ने, ना ही स्टैंडिंग कमेटी, ना जो एडहॉक कमेटी है, उन्होंने उन पर्टिकुलर बिल्स को स्क्रूटनाइज, उन पर्टिकुलर बिल्स को एनालाइज नहीं किया। तो एक बड़ा सवाल यही उठता है कि क्यों नहीं किया गया। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उनका गठन ही नहीं हुआ है जब से हमारी 17th लोकसभा फॉर्म हुई है। अपोजिशन पार्टीज जो राज्यसभा के अंदर हैं, उन्होंने सरकार को बोला है कि वो चाहते हैं कि जो 7 key लेजिस्लेशन है जिसके अंदर यहाँ पर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल 2019, राइट टू इंफॉर्मेशन अमेंडमेंट बिल 2019, डीएनए टेक्नोलॉजी यूज एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल 2019, इस तरीके के जो हमारे इंपॉर्टेंट यहाँ पर बिल्स हैं उनको पहले सेलेक्ट कमिटीज द्वारा स्क्रूटनाइज कराया जाए। All 3 bills have been cleared by the Lok Sabha in the current session of the Parliament. इस चीज को point out किया गया opposition leaders द्वारा कि एक भी bill यहाँ पर select या standing committee के पास इस particular session के अंदर नहीं गया है। देखो, जो committees होती हैं, जब हम लोग इन्हें बनाते हैं, इनका main जो मकसद होता है 2 होते हैं, या तो ये bill को analyze करके report दें, या जो bill बन चुका है उसको scrutinize करें।
और जो कमेटी के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनके ऊपर विप अलाउ नहीं होता, तो वो अपनी यहाँ पर बैठकर जो उनके विचार होते हैं, जो उनकी समझ होती है, उसको रख पाते हैं, उस हिसाब से एक बिल को एनालाइज किया जाता है। ये सब चीज़ें इस सेशन के अंदर हमें मिस होती हुई नज़र आ रही हैं। आपके लिए राइट हैंड साइड पे मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है कि बिल किस तरीके से आगे बढ़ता है। देखो, सबसे पहले तो बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल। इंट्रोड्यूस होने के बाद उसको गजट के अंदर छापा जाता है, उसके बाद इसकी फर्स्ट रीडिंग होती है, ओके, फिर वो सिलेक्ट कमेटी के पास जाता है, तो ये वाला जो प्रोसेस है ये मिस हुआ है। फिर उसकी सेकेंड रीडिंग होती है, थर्ड रीडिंग होती है, और जब थर्ड रीडिंग होती है और वो पास हो जाता है तो वो दूसरे हाउस के अंदर जाता है। दूसरे हाउस में भी यहाँ पर सिमिलर टाइप ऑफ प्रोसीजर चलता है। उसके बाद हमें प्रेसिडेंट्स असेंट लेना पड़ता है, राष्ट्रपति के सिग्नेचर लेने पड़ते हैं। उसके बाद एक जो बिल है वो एक एक्ट बन जाता है, या जिसको आप लोग लॉ के नाम से जानते हो। पेज नंबर 1 पे आज आपको एक और खबर मिलती है, वो है हमारे चंद्रयान 2 से रिलेट करते हुए। चंद्रयान 2 गेट्स फर्स्ट ऑर्बिट बूस्ट। हमारा चंद्रयान 2 जो कि हम लोगों ने 22nd ऑफ जुलाई 2019 को लॉन्च किया, 7th ऑफ सितंबर को ये मून के साउथ पोल पे हम लोगों को पहुंचता हुआ नजर आएगा। व्हाई चंद्रयान 2 इज यूनिक? चंद्रयान 2 यूनिक क्यों है? क्योंकि इंडिया पहला देश बन जाएगा जो कि मून के साउथ पोल के ऊपर यहाँ पर कोई स्पेसक्राफ्ट उतारने वाला है। इसके साथ साथ इंडिया इसके साथ ही फोर्थ नेशन बन जाएगा मून के ऊपर यहाँ पर अपने स्पेसक्राफ्ट को उतारने वाला। हमारा जो चंद्रयान 1 था जिसको हम लोगों ने 2008 के अंदर लॉन्च किया था, वो एक सक्सेसफुल मिशन था जिसकी मदद से हमें ये पता लगा कि मून का जो साउथ पोल है वहाँ पर कुछ फॉसिल्स हो सकते हैं, वहाँ पर कुछ मिनरल्स हो सकते हैं, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स के यहाँ पर चांसेस हो सकते हैं। ऑल दो जो इम्पैक्टर था वो फेल हुआ, बट उसकी वजह से जो चंद्रयान 2 है उसको बहुत ज़्यादा मदद मिली। चंद्रयान 2 को हम लोगों ने लॉन्च किया और चंद्रयान 2 को एक बहुत बड़ी जर्नी ट्रैवल करनी है। चंद्रयान 2 ने अपना जो पहला ऑर्बिट है रेजिंग मैन्यूवर ऑन द डे 3 वो यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, और ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ है कि कम से कम हम लोग फर्स्ट जो लेवल है उसे क्लियर कर पाए हैं। दे रेज द ऑर्बिट टू द प्रेजेंट 241.5 किलोमीटर इंटू 45,162 किलोमीटर अराउंड द अर्थ। और इसरो ने यहाँ पर इस चीज़ की बात कही, इंजीनियर्स ने यहाँ पर कुछ एक्सरसाइजेस भी कंडक्ट की फ्रॉम द ISTRAC, द इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग कमांड नेटवर्क, जो कि पेनिया बेंगलुरु के अंदर लोकेटेड है, और सब चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलती हुई नज़र आ रही हैं। मेन चीज़ क्या है, अभी से लेकर अगस्त 14 तक जो लूनर स्पेसक्राफ्ट हमारा चंद्रयान 2 है, इट विल गो अराउंड द अर्थ इन एन एलिप्स। अर्थ के ही यहाँ पर वो हमें चक्कर काटता हुआ नज़र आएगा, बिकॉज एकदम से अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को नहीं छोड़ा जा सकता है, वो एक जियो ट्रांसफर ऑर्बिट के अंदर यहाँ पर चक्कर लगा रहा है। इट वुड हैव 4 मोर मैनूवर्स, एक यहाँ पर चक्कर पूरा हो गया है, 4 और यहाँ पर जो चक्कर हैं वो पूरे करने हैं। ऑन ऑगस्ट 14 इट विल बिगिन द मून बाउंड फील्ड, फिर वो मून के जो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पुल है उसके अंदर आ जाएगा और मून के भी यहाँ पर चक्कर लगाएगा, और जब वो मून बाउंड फील्ड में आएगा उसे बोलते हैं ट्रांस लूनर इंसर्शन। ओके, तो जो रियल टेस्ट है चंद्रयान 2 का वो होगा खत्म सितंबर 7 को, द डे नंबर 48, जब हम लोग लूनर सरफेस पे लैंड होते हुए नजर आएंगे। अब अपनी स्क्रीन पे जो आप पिक्चर देख रहे हो वो इसका एक इलस्ट्रेशन है। अब देखो, यहाँ पे हम लोगों ने चंद्रयान को छोड़ा, अब यहाँ पे आप ऑर्बिट्स देखो, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, हम लोगों को 5 ऑर्बिट करनी है, और फिर यहाँ पर ये यहाँ से ऐसे एंटर होता हुआ नजर आएगा हमें मून की ऑर्बिट के अंदर, और फिर यहाँ पर ये मून की ऑर्बिट करेगा, और ऑर्बिट करते करते जैसे मून के पास पहुँचेगा फिर यहाँ पर जो लैंडर और रोवर है वो हम लोगों को लैंड होते हुए नजर आएंगे। हम लोगों ने लैंडर के अंदर ही रोवर यहाँ पर लगाया है, लैंडर का नाम है विक्रम, रोवर का नाम है हमारा प्रज्ञान। ओके, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखना। इसी के साथ साथ आज एडिटोरियल वाले सेक्शन में भी आप लोगों के लिए एक और पिक्चर आई है। पिक्चर में लिखा हुआ है रेस टू द साउथ, मून के साउथ पोल के ऊपर कौन पहले उतरेगा उसकी रेस में अभी इंडिया सबसे आगे चल रहा है। नेवर बिफोर द हिस्ट्री हैज अ कंट्री एवर अटेम्प्टेड टू सॉफ्ट लैंड ऑन द मून्स साउथ पोल, और ये इंडिया का तो पहला अटेम्प्ट है किसी भी यहाँ पर सेलेस्टियल बॉडी, स्पेशियल बॉडी पे यहाँ पर लैंड करने का। इंडिया का चंद्रयान 2 ये पर्टिकुलर अचीवमेंट हासिल करेगा ऑन सितंबर 7, 2019।
बाकी लैंडिंग साइट्स हैं, मैंने आपको बताया कि इंडिया चौथा देश बनेगा, इंडिया से पहले यूएस, यूएसएसआर या रशिया, अब उसका नाम बदल दिया गया है, और चाइना पहुंच चुके हैं। आप यहाँ पे देखोगे जो येलो जो कलर के हैं वो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स के हैं, ओके, जो रेड कलर का आपको दिख रहा है वो रशिया का है, और जो आपको थोड़े से ऑरेंज इस कलर में दिखाई दे रहे हैं ओके, वो यहाँ पर चाइना का है। तो देखो आप चैंगी 4 लूनर प्रो अभी 2019 में ही मून के फार साइड ऑफ द मून के ऊपर यहाँ पर भेजा गया ओके। यहाँ पे आप गौर करो ये वाला हिस्सा क्या लिखा हुआ है, अपोलो 11 1969, इम्पॉर्टेंट, अभी हम लोगों ने 50 ईयर्स सेलिब्रेट किए जब यहाँ पर मैनकाइंड ने पहला कदम यहाँ पर रखा था मून के ऊपर, अपोलो 11, नील आर्मस्ट्रांग पहले इंसान बने थे ओके, तो इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ पॉइंट आउट कराई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 1 पे आपको एक और आर्टिकल मिलता है, पावर पोल्स शुड हैव स्पाइक्स टू कीप अवे द जंबोज सेज पैनल। जो इलेक्ट्रिक पोल्स जो यहाँ पर जो बिजली के खंभे लगे होते हैं उनके बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर जो बिजली के खंभे होते हैं इनको भी हम लोगों को स्पाइक से कवर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स इनसे टकरा कर बिजली के झटकों की वजह से मर जाते हैं, जिनमें से हम लोगों को अभी एक एलिफेंट का केस देखने को मिला है। और यहाँ पर इसी चीज़ की रिकमेंडेशन दी गई है यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री द्वारा, और जो सजेशन है दे वर प्रेजेंटेड टू दी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, जो कि एक अपेक्स एडवाइजरी बॉडी है। आपके लिए आज के बेसिक्स में इंपॉर्टेंट चीज़ है नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के बारे में, ये एक स्टेट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर बनाया गया है। इसका रोल एडवाइजरी इन नेचर होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करती है कि किस तरीके से पॉलिसीज और मेजर्स वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए हम लोगों को बनाने चाहिए। मेन फंक्शन है टू प्रमोट एंड कंजर्व द वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट, इसके पास पावर होती है सारे वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर्स को रिव्यू करने की, प्रोजेक्ट्स जो अप्रूव हो चुके हैं उनको भी रिव्यू करने की इसके पास पावर होती है। नो अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज इन द नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैन बी डन विदाउट अप्रूवल ऑफ द NBWL, जब तक नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ यहाँ पर अप्रूव नहीं करेगी किसी भी नेशनल पार्क, किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, हम लोग यहाँ पर बाउंड्री इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते। कंपोजिशन की बात करें तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के हेड होते हैं प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, इसके अंदर 47 मेंबर्स होते हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ, 19 मेंबर्स एक्स ऑफिशियल होते हैं, बाकी जो मेंबर्स होते हैं उसमें 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, 2 लोकसभा के, 1 राज्यसभा के, 5 NGOs होती हैं और 10 एमिनेंट इकोलॉजिस्ट, कंजर्वेशनिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट भी होते हैं। पेज नंबर 2, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी से रिलेटेड आज ये खबर है, बट ये न्यूज़ आपके पॉलिटिकल सेक्शन से रिलेट करती है। हाईकोर्ट रिजेक्ट्स आप रेबल लीडर्स पिटीशन फॉर रेस्क्यूअल ऑफ स्पीकर। यहाँ पर 2 आम आदमी पार्टी के जो MLA हैं उन्होंने यहाँ पर आम आदमी पार्टी को छोड़ने का फैसला लिया, और जब उन्होंने फैसला लिया तो यहाँ पर सामने आ जाता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, मतलब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल नंबर 10 के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे ऑल दो हाईकोर्ट से रिक्वेस्ट की गई कि इन दोनों आप MLAs द्वारा कि जल्द से जल्द यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो स्पीकर के हाथों में ना सौंपी जाएं, क्योंकि जो स्पीकर हैं वो इम्पार्शियल हो सकते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के यहाँ पर लोगों से मिलते हैं और उनके साथ पार्टी वगैरह भी करते हैं, ऐसा यहाँ पर बोला गया। सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी हाईकोर्ट ने इस पर्टिकुलर चीज़ को रिजेक्ट कर दिया है, बोला है कि यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें अंडर दी ज्यूरिसडिक्शन, अंडर दी प्रेरोगेशन ऑफ स्पीकर आती हैं, और स्पीकर इज़ दी अथॉरिटी टू डिसाइड ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। आपके लिए एग्जाम रेलिवेंट क्या हो जाता है, आपके लिए एग्जाम रेलिवेंट चीज़ है यहाँ पर शेड्यूल 10 के बारे में पढ़ना। पिछले एक हफ्ते से हम लोग लगातार शेड्यूल 10 के बारे में पढ़ रहे हैं, ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। बेसिकली 4 यहाँ पर पॉइंट्स आते हैं जिनको आप लोगों को याद करना है। पहला यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन उस बेसिस पे हो सकता है कि अगर कोई भी व्यक्ति वॉलंटियरली अपनी जो यहाँ पर जिस पार्टी से वो जीता हुआ है उस पार्टी की टिकट से, जिस पार्टी की टिकट से जीता हुआ है उस पार्टी को ही गिव अप कर दे, उस पार्टी का पार्ट नहीं रहे और उस पार्टी की टिकट से ही वो इलेक्ट हुआ है, तो भी उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है ऑन दी ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। दूसरा है अगर यहाँ पर उसको पार्टी की हाईकमान ने किसी एक साइड पे वोट करने को बोला है, मतलब जो विप इशू किया है उसके बेसिस पे, और वो विप के अगेंस्ट जाता है तो भी उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। नंबर 3, अगर कोई इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर है और वो कोई पर्टिकुलर पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो भी उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है।
नंबर फोर, अगर कोई यहाँ पर नॉमिनेटेड मेंबर है और वो नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने के बाद आफ्टर 6 मंथ्स यहाँ पर कोई पार्टी ज्वाइन करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, क्योंकि नॉमिनेटेड मेंबर के पास अधिकार है कि चुनने के यहाँ पर नॉमिनेट होने के 6 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर वो जो पार्टी चाहे उसे चुन सकता है। और यहाँ पर शेड्यूल 10 के अंदर जो पावर है ये चीज़ डिसाइड करने की, वो है यहाँ पर हाउस के प्रेसाइडिंग ऑफिसर को, मतलब लोकसभा के अंदर यहाँ पर स्पीकर को है, यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर स्पीकर को है, राज्यसभा के अंदर यहाँ पर चेयरपर्सन को है। तो ये आपको पॉइंट से याद रखने हैं। इसी के साथ साथ पेज नंबर 2 पे आज आपको एक और इंटरेस्टिंग खबर मिलती है, डू वी नीड टू रिस्ट्रेन गूगल फ्रॉम अपलोडिंग इंडियन मैप्स। दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट से सवाल पूछा है बहुत बड़ा, कि क्या जो इंटरनेट सर्च इंजन्स हैं जैसे गूगल, उनको हम लोगों को रोक लगानी चाहिए उनके ऊपर कि वो इंडिया के मैप्स को अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर सकें, क्योंकि वो जब अपने मैप्स को साइट पे अपलोड करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि हमारी जो इम्पोर्टेंट डिफेंस इंस्टॉलेशंस हैं, जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया हैं, उनकी भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन पिक्चर के थ्रू ऑनलाइन डाल देते हैं। तो यहाँ पर एक डायरेक्शन इशू किया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, कि जो हमारी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है जो कि पब्लिक के लिए अलाउ नहीं है, उनकी सैटेलाइट इमेजेस भी अपलोड ना की जा सकें गूगल द्वारा। जैसे गूगल अर्थ में हम किसी भी जगह पर घुस सकते हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। यहाँ पे पिटीशन दायर की गई और बोला गया कि ओनली द इंडियन गवर्नमेंट हैड द राइट टू प्रोवाइड डिटेल्ड मैप्स ऑफ द कंट्री। यहाँ पर एक और पिटीशन ये बोली गई कि जो हमारा इंडिजीनियस नेविगेशन सिस्टम है नाविक, वो भी यहाँ पर लोगों को इजीली असेस हो जाना चाहिए, जिससे लोगों को बाकी बाहर की सर्विसेज के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। पिटीशन क्लेम करती है दैट द मैप्स ऑन गूगल वर नॉट ओनली अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक, पर यहाँ पर जो हॉस्टाइल नेशंस हैं उनको भी अवेलेबल होती है। यहाँ पर कुछ स्ट्रीट व्यू, स्ट्रीट सर्विसेज यहाँ पर हमारे उन एरिया की भी होती है हमारे पड़ोसी देशों के पास, जो हमारे इंपॉर्टेंट जैसे बॉर्डर एरियाज हैं, बॉर्डर एरियाज के अंदर कहाँ से क्या सड़क जा रही है, किस जगह पर क्या है, वो सब चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं इंटरनेट पे। यहाँ पर मिस्टर शुक्ला द्वारा एक और चीज़ भूली गई कि 2008 के अंदर जो मुंबई अटैक हुआ था उसके अंदर एक चीज़ सामने आई थी कि टेररिस्ट ने गूगल इमेजेस का इस्तेमाल किया था स्टडी करने के लिए और मुंबई की जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोगों को नज़र रखनी चाहिए, हमारा इंटरनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। पेज नंबर 8 पे खबर मिलती है, केरला गियर्स अप फॉर चैंपियंस लीग ऑन वाटर। तो 9 बोट क्लब्स बनाए गए हैं, जैसे आईपीएल की टीम्स होती हैं, इंडियन प्रीमियर लीग कंडक्ट होता है, उसी तरीके से केरला के अंदर हो रहा है चैंपियंस बोट लीग CBL हो रहा है, और ये 3 महीने की यहाँ पर चैंपियनशिप है। जुलाई 29 को ये स्टार्ट हो जाएगी और 9 बोट्स की यहाँ पर टीम बनाई गई है। जो CBL है इट विल बी हेल्ड इन 13 बैक वाटर वेन्यूज और अगस्त 10 से यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी विद द नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इन अलाफूसा। जो सीजन है इट विल एंड विद द प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी बोट रेस जो कि कोल्लम के अंदर होगी November 1st को। प्राइस यहाँ पर 25 लाख का है, ओके, जो कि CBL के मिलेगा। फर्स्ट रनर अप को 15 लाख और सेकेंड रनर अप को 10 लाख रुपीज दिए जाएंगे। पेज नंबर 9 पे खबर मिलती है, एनिमल्स रिक्लेम अबंडेंट क्वेरीज। यहाँ पर बात हो रही है काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में। कुछ दिनों पहले मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, क्वेश्चन ऑफ द डे था हमारा, कि किस पार्क के अंदर फ्लड्स आते हैं, चेंजिंग रिवर्स आती है, एनिमल्स माइग्रेट कर रहे हैं, तो उसका आंसर था काजीरंगा नेशनल पार्क। उसी चीज़ से रिलेटेड आज एक आर्टिकल आया है कि जो माइग्रेटरी पाथ यहाँ पर अपना लिया था हमारे एनिमल्स ने, वो यहाँ पर अब हमें वापस आते हुए नजर आए हैं। एनिमल फ्लीइंग द फ्लड इन द काजीरंगा नेशनल पार्क आर रिक्लेमिंग माइग्रेटरी पाथ्स। अब वो माइग्रेटरी पाथ्स के थ्रू यहाँ पर जा रहे हैं इन द कार्ली एंगलोंग हिल्स साउथ ऑफ द पार्क, जिसको यहाँ पर बहुत सालों से इलीगल स्टोन्स की मदद से ब्लॉक किया गया था। असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यहाँ पर स्टोन माइनिंग को बैन कर रखा है इन द हिल्स ऑफ द कार्ली एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट साउथ ऑफ KNP ऑन April 30 आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट ऑन April 12 ऑर्डर द क्लोजर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेरीज। तो एनिमल्स यहाँ पर दूर भाग रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं फ्लड्स की वजह से, तो ये चीज़ याद रखनी है। एनिमल्स को भी हमें प्रोटेक्ट करना है कि उनका भी नुकसान ना हो। पेज नंबर 9 पे खबर मिलती है, ICMR से न्यू मूव टू एड डेटा कलेक्शन। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल स्टैटिस्टिक्स है, उसने यहाँ पर पार्टनरशिप करी है पॉपुलेशन काउंसिल के साथ और लॉन्च किया है हमारे लिए नेशनल डेटा क्वालिटी फोरम। जो नेशनल डेटा क्वालिटी फोरम है इट विल इंटीग्रेट लर्निंग फ्रॉम साइंटिफिक एंड एविडेंस बेस्ड इनिशिएटिव।
इसके साथ साथ एक्शंस गाइड करेगा जो कि कॉन्फ्रेंसेस के अंदर जो चीज़ें आई हैं उनके ऊपर क्या क्या बड़े बड़े एक्शंस लिए गए। इट्स एक्टिविटीज विल हेल्प एस्टैब्लिश प्रोटोकॉल एंड गुड प्रैक्टिसेस ऑफ डेटा कलेक्शन स्टोरेज यूज डिसमिनेशन और डेमोग्राफिक डेटा भी इसके अंदर एड ऑन किया जाएगा। मूविंग ऑन पेज नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ते हैं। एडिटोरियल वाला सेक्शन है। एडिटोरियल वाले सेक्शन में हमें खबर मिलती है अंडरमाइनिंग दी आरटीआई। आज मैंने आपको जिस क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर दिया जो हम लोगों ने कल रखा था वो भी आरटीआई से ही रिलेट करता था। यहाँ पर बात हो रही है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के लिए जो अमेंडमेंट यहाँ पर लोकसभा ने पास कर दिया है वो यहाँ पर एक अननेसेसरी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर वो पर्टिकुलर एक्ट चल रहा है और कोई भी अननेसेसरी चीज़ के ऊपर यहाँ पर जब उनको अलग चेंज किया जाएगा उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा तो ऑब्वियसली पब्लिक आउटरीच भी उतना ही बढ़ेगा। इट इज़ डिफ़िकल्ट नॉट टू कॉन्कर विद एक्टिविटीज हु कंटेन दैट जो अमेंडमेंट है वो कहीं ना कहीं फ्रीडम और ऑटोनॉमी जो इन्फॉर्मेशन कमीशन की है सेंटर और स्टेट लेवल पर उसको छीनने की बात कर रहे हैं। सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो कि यहाँ पर एक कॉरस्पॉन्डिंग अथॉरिटी है स्टेट के अंदर और जो बाकी इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं जो कि यहाँ पर स्टेटरी फंक्शन करते हैं उनके पास पावर है टू रिव्यू द डिसीजंस ऑफ पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड बॉडीज। अमेंडमेंट यहाँ पर बात करता है इनके स्टेटस टेन्योर और कंडीशंस चाहे वो अपॉइंटमेंट से रिलेट करते हो या बाकी सारी चीज़ों से रिलेट करते हो उन सब चीज़ों को बदलने की बात कर रहा है और जो पावर है वो यूनियन गवर्नमेंट के हाथों में लेकर आने की बात कर रहा है। जैसे यूनियन गवर्नमेंट उनका टेन्योर उनका रेम्यूनरेशन यहाँ पर अपने हिसाब से सेट कर सके। करेंटली बात करें तो 5 years 65 years यहाँ पर रिटायरमेंट एज बताई गई है। यहाँ पर टेन्योर 3 years का करने की बात यूनियन गवर्नमेंट कर रही है। जो ओरिजिनल लेजिस्लेशन है उसका कहना है कि जो सैलरी टर्म्स कंडीशंस सर्विसेज जो CIC की होंगी वो बिल्कुल वैसी होंगी जैसे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की होंगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कैसे हैं जो कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज की हैं। सिमिलरली जो बाकी जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं एट दी सेंट्रल लेवल उनकी सेम कंडीशंस होंगी जैसे कि इलेक्शन कमिश्नर्स की हैं। स्टेट लेवल की बात करें तो जो SIC है उसके सेम टर्म्स एंड कंडीशन होगी जैसे इलेक्शन कमिश्नर्स की है और जो बाकी इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं उनकी होगी जैसे कि चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की है। गवर्नमेंट क्लेम करती है कि ये जो प्रोसेस वो इन सब चीज़ों को कैंसिल करके नई चीज़ लाने की कोशिश कर रहे हैं वो इन सारी की सारी चीज़ों को रैशनलाइज करने के लिए कर रहे हैं। रैशनलाइज किस बेसिस पे यहाँ पर आर्ग्यू किया जाता है दैट वाइल द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी जो हमारी EC है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो CIC है वो एक स्टेट्यूटरी अथॉरिटी है। वाइल द CEC इज इक्वल टू द स्टेटस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज यहाँ पर सही नहीं होगा कि CIC का भी जो लेवल है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। तो प्रोटेक्टिंग सिटीजन्स राइट टू इन्फॉर्मेशन इज अ कॉज ऑफ इम्पॉर्टेंस का कॉज है। पब्लिक इसके खिलाफ है और एक हाई स्टेटस सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होना चाहिए इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन को चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को। और RTI का जो यहाँ पर एक्सटेंट है वो भी हमें कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आएगा इस अमेंडमेंट के बाद। जो RTI एक्ट है वो उस समय भी कंसेंसस लॉ से पास किया गया था और पब्लिक कंसल्टेशन का एक प्रोडक्ट है क्योंकि आर्टिकल 19 अंडर क्लॉज है जो कि आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है वही ये कहता है कि अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आप लोग उसको यहाँ पर एक्सप्रेस कैसे करोगे। इसीलिए हम लोग RTI को लेकर आए थे। कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के ऊपर हमें इम्पैक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। पेज नंबर 10 एडिटोरियल वाला एडिटर यहाँ पे खबर मिलती है हैविंग द लास्ट वर्ड ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल। वर्ल्ड पॉपुलेशन परसेंटेज अकॉर्डिंग टू द 2017 अगर हम बात करते हैं तो पूरी दुनिया की इंडिया के पास 18% पॉपुलेशन है। दुनिया की 18% पॉपुलेशन जनसंख्या भारत में रहती है और 2027 तक अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन हम लोग यहाँ पर चाइना से भी आगे निकल जाएंगे। जुलाई 11 हम लोगों ने वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया और उस समय हमारे यूनियन मिनिस्टर ने यहाँ पर किया था ट्वीट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को लेकर कि हमारे देश में क्या हो रहा है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रही है और बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलजुल कर काम करना चाहिए पॉपुलेशन कंट्रोल लॉस के ऊपर और एनुलिंग द वोटिंग राइट्स ऑफ दोज हैविंग मोर देन 2 children जिनके भी 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे। अब ये जो डिमांड्स थी इनको हम लोगों को एनालाइज करना पड़ेगा क्योंकि इन्हीं डिमांड को हमारे इकोनॉमिक सर्वे ने भी हमारे लिए सामने रखा। सर्वे इस चीज़ को नोट डाउन करता है कि हमें बहुत ही जल्द एक शार्प स्लो डाउन देखने को मिलेगा पॉपुलेशन ग्रोथ में आगे आने वाले 20 सालों के अंदर। इनफैक्ट बोला गया कि बाय 2030 कुछ स्टेट्स ऐसी हैं
जो कि यहाँ पर एजिंग सोसाइटी की तरफ बढ़ना चालू कर देंगी। वहाँ पर जो फर्टिलिटी रेट है वो धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल होती हुई नजर आएगी। तो डिमांड यहाँ पर की जा रही है स्टेट कंट्रोल की, कि नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने होंगे उसके ऊपर स्टेट कंट्रोल किया जाए। अब यहाँ पर यह कोई नई चीज़ नहीं है, या ये पहली बार नहीं आई है। ये परसेप्शन इसलिए है क्योंकि जब ग्रोइंग पॉपुलेशन होती है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है किसी भी देश के लिए, कि उनको एम्प्लॉयमेंट कैसे दें, हेल्थ फैसिलिटी कैसे दें, बेटर एडुकेशन कैसे दें, रिसोर्सेज कैसे दें, क्योंकि रिसोर्सेज कम है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो जो पॉपुलेशन कंट्रोल है, एक बड़ी आर्ग्यूमेंट जो कि यहाँ पर सामने रखी जाती है कि अगर यहाँ पर जो फैमिली है उसके साइज को रिस्ट्रिक्ट करने की बात हो रही है, वो कहीं ना कहीं जो और जो सिटीजन्स होंगे, मान लो किसी के तीन बच्चे हो गए तो जो थर्ड चाइल्ड होगा उसको उसके बेसिक राइट से यहाँ पर दूर रखेगा। अब इस ये दिस हैज़ बीन अ कोर्स नेवर बीन पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। कभी भी हमारी देश की पॉलिसी की बात करें तो हम लोग कभी भी किसी को राइट्स देने से मना नहीं करते हैं। तो हम लोग ये कैसे कह सकते हैं कि अगर जो थर्ड चाइल्ड होगा उसको यहाँ पर उसके बेसिक राइट्स नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट यहाँ पर हम लोग बात करें अपनी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के बारे में, जिसको 2000 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे। यहाँ पर उस पॉलिसी का सेंस ये था कि गवर्नमेंट का कमिटमेंट हो सके टू वॉलेंटरी एंड इन्फॉर्म्ड चॉइस, और लोगों को यहाँ पर अवेयरनेस प्रोवाइड की जा सके कि बच्चे दो ही अच्छे, और लोगों का कंसेंट जरूरी हो वाइल अवेलिंग दी रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर सर्विसेज। एक टारगेट फ्री अप्रोच यहाँ पर चलाने की बात की गई। उस समय जो हेल्थ मिनिस्टर थे, द देन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा, हैज सेड प्रिटी मच द सेम थिंग। एक साल पहले यहाँ पर यही सेम चीज़ हमें होती हुई नज़र आई, और हमारे सामने एक नया फ्रेमवर्क आया जिसको बोलते हैं लाइफ स्टाइल फ्रेमवर्क, विच लुक टू द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन नीड्स ऑफ मदर एंड चाइल्ड, नॉट मेयरली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, बट यहाँ पर फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन ही यहाँ पर, और टिल द एडोलेसेंट एज यहाँ पर अब बच्चों का ध्यान रखा जा रहा है। ये जो आर्ग्यूमेंट है, इट इज़ नॉट अबाउट डिनाइंग सर्विसेज। आर्ग्यूमेंट ये नहीं है कि हमें सर्विसेज डिनाई करनी है, पर आर्ग्यूमेंट ये होनी चाहिए कि हमें ऑफर्ड चॉइसेस देनी है, रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में लोगों को बताना है, ऑर्डिनरी लोगों को यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के बारे में, उसने भी इस चीज़ को नोट डाउन किया है कि वुमेन इन द लोएस्ट वेल्थ क्वांटाइल हैव एन एवरेज ऑफ 1.6 मोर चिल्ड्रन दैन वुमेन इन द हाईएस्ट वेल्थ क्वांटाइल। तो जो बेसिकली यहाँ पर कमज़ोर वर्ग होता है, पुअर पीपल होते हैं, जिनके पास इनकम कम होती है, उनके हमें ज़्यादा बच्चे देखने को मिलते हैं। तो जो टोटल फर्टिलिटी रेट है दैट इज 3.2 चिल्ड्रन वर्सेज 1.5 चिल्ड्रन मूविंग फ्रॉम द वेल्दीएस्ट टू द पुअरेस्ट। सिमिलरली अगर हम लोग देखें जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर वुमेन, वो डिक्लाइन हो रहे हैं विद द वुमेन्स लेवल ऑफ स्कूलिंग। तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि जितनी महिला पढ़ी लिखी होगी उतने ही ज़्यादा यहाँ पर समाज पे असर भी पड़ेगा। जो महिला यहाँ पर लिटरेट नहीं है विद नो स्कूलिंग, दे हैव एवरेज ऑफ 3.1 चिल्ड्रन, और जो महिला यहाँ पर कम से कम 12 ईयर्स या उससे ज़्यादा की स्कूलिंग ले चुकी हैं उनके 1.7 के आसपास एवरेज चिल्ड्रन है। ये रिवील करता है कि कितना इंपॉर्टेंट कनेक्शन है हेल्थ का, एडुकेशन का और इनइक्वालिटी का यहाँ पर। तो हेल्थ और एडुकेशन को हम लोगों को साथ में लेकर चलना है। लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे ने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया कि जो स्टेट्स हैं जहाँ पे हाई पॉपुलेशन ग्रोथ है वो स्टेट्स हैं जिनकी सबसे कम लोएस्ट पर कैपिटा यहाँ पर अवेलेबिलिटी है हॉस्पिटल बेड्स की। तो डैमेज हो चुका है, मिसहैंडल हम लोग पहले ही कर चुके हैं हमारी पॉपुलेशन का, उसको सही तरीके से हैंडल करना है। हम लोगों को पिछले जो इवेंट्स हो चुके हैं उनको भी नहीं भूलना चाहिए। इमरजेंसी के समय पर जो फोर्स स्टरलाइजेशन हुआ था उसको नहीं भूलना चाहिए। उस समय पर मेन यूज टू बी दी पार्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग, पर आज आप लोग फैमिली प्लानिंग के बारे में देखोगे तो यहाँ पर विमेन और चिल्ड्रन के ऊपर फोकस किया जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लैग है कि हम लोगों को मेन को, पुरुषों को भी यहाँ पर फैमिली प्लानिंग वाला जो सिस्टम है उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगली आर्टिकल की तरफ, एडिटोरियल सेक्शन पेज नंबर 11। खबर मिलती है आइलैंड ऑफ होप इन द मिस्ट ऑफ ग्लोबल मीजल्स रिसर्जेंस। ये आर्टिकल आपको प्रीलिम्स रिलेवेंट कुछ फैक्ट देता है। जुलाई 9 को एक बड़ी अनाउंसमेंट हुई और श्रीलंका बना चौथा देश, यहाँ पर चौथा एशियन रीजन के अंदर देश बना आफ्टर भूटान, मालदीव्स एंड टिमोर लेस्ते, जो कि यहाँ पर अपने आप को मिजल्स फ्री कर चुका है, एलिमिनेट कर चुका है यहाँ पर मिजल्स को।
बहुत बढ़िया इंटरवेंशन वहाँ पे सरकार का रहा. एंड मिजल्स इज कंसीडर्ड टू बी एलिमिनेटेड जब यहाँ पर एक कंट्री इंटरप्ट करती है ट्रांसमिशन ऑफ एन इंडिजीनियस वायरस फॉर 3 ईयर्स. इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए मिजल्स के बारे में जानना. जो मिजल्स वायरस है इट इज़ एन एनवलप्ड रेबन न्यूक्लिक एसिड वायरस. जो जीनस है वो है मॉर्बिली वायरस. जो मिजल है वो एक हाईली कंटीजियस वायरस है. इन्फेक्टेड पर्सन यहाँ पर ट्रांसमिट भी कर सकता है इस वायरस को टू ओवर 90% ऑफ अनप्रोटेक्टेड क्लोज कॉन्टैक्ट्स. जो वायरस है वो यहाँ पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है, फिर पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है. मिजल्स एक ह्यूमन डिजीज़ है, इट इज़ नॉट अकरिंग इन एनिमल्स. एनिमल्स के अंदर ये डिजीज़ नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन्स के अंदर होती है. मीजल्स कैन बी एंटायरली प्रिवेंटेड थ्रू टू डोज वैक्सीन्स. दो डोज वैक्सीन्स का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं एंड ऑफिशियली बहुत सारे देशों ने इसे एलिमिनेट कर दिया है अपने एडवांस्ड हेल्थ केयर सिस्टम की मदद से. ट्रीटमेंट की बात करें तो कोई यहाँ पर स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट एग्जिस्ट नहीं करता मीजल्स वायरस के लिए. ऑल दो यहाँ पर कुछ एडिक्वेट फ्लूड लिक्विड इनटेक, ट्रीटमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन, इन सब का इस्तेमाल हम लोग मीजल्स के ट्रीटमेंट के लिए करते हैं. आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ. पेज नंबर 12 पे खबर मिलती है यूएपीए बिल क्लियर्ड एमिड वॉकआउट. यहाँ पे बात हुई अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल 2019 के बारे में जो हमें लोकसभा से पास होता हुआ नजर आया. ऑल द अपोजिशन पार्टी ने यहाँ पर वॉकआउट किया. तो आर्टिकल के अंदर तो ये था, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यूएपीएल के बारे में जानना, तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन मैंने ऐड ऑन की है. तो यूएपीए बिल के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को टेरर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में डेजिग्नेट कर सकती है. कब? जब यहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन ने कमिट किया है, पार्टिसिपेट किया है किसी भी टेररिज्म वाली एक्टिविटी के अंदर, टेररिज्म की एक्टिविटी के लिए वो प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पर आतंकवाद को, या किसी भी तरीके से आतंकवाद के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो उनको डेजिग्नेट किया जा सकता है एज दी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. बिल एडिशनली यहाँ पर सरकार को एम्पावर कर रहा है कि इंडिविजुअल्स को भी टेररिस्ट के रूप में यहाँ पर ऑन दी वेरी सेम ग्राउंड्स जो अभी मैंने बताए, उन्हीं पर्टिकुलर ग्राउंड्स पे उनको भी टेररिस्ट घोषित किया जा सकता है. इसके साथ साथ इस एक्ट के अंदर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है ही इज़ रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस. उसके बाद वो किसी की भी प्रॉपर्टी सीज कर सकते हैं उस पर्टिकुलर पर्सन की, उन्हें लग रहा है कि हाँ ये पर्टिकुलर व्यक्ति आतंकवादी है या आतंकवाद के अंदर इन्वॉल्व है, उसकी प्रॉपर्टी भी सीज की जा सकती है. बिल एड ऑन करता है कि अगर जो इन्वेस्टिगेशन है उसे कंडक्ट कर रहा है कोई एक ऑफिसर ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, द अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए वुड बी रिक्वायर्ड फॉर सीजर ऑफ सच प्रॉपर्टी. एनआईए के इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करता है ये पर्टिकुलर बिल कि जो इन्वेस्टिगेशन है केसेस की, इट मे बी कंडक्टेड बाय ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस. जो बिल है वो एम्पावर करता है ऑफिसर्स को जो एनआईए के हैं, जो रैंक ऑफ इंस्पेक्टर के हैं, वो भी केस को यहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं. साथ ही यहाँ पर जो एक्ट है वो डिफाइन करता है टेररिस्ट एक्ट को टू इंक्लूड एक्ट कमिटेड विद इन द स्कोप ऑफ एनी ऑफ द ट्रीटीज, जो कि यहाँ पर शेड्यूल के अंदर लिस्ट आउट की गई है. 9 ट्रीटीज हैं, जैसे कन्वेंशन फॉर द सपरेशन ऑफ टेररिस्ट बॉम्बिंग 1997, कन्वेंशन अगेंस्ट अटैकिंग ऑफ होस्टेज 1979. बिल ऐड करता है और भी ट्रीटीज को टू दिस पर्टिकुलर लिस्ट एंड दिस इज द इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सपरेशन ऑफ एक्ट ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म 2005. पेज नंबर 13 पे हमें पाकिस्तान से रिलेटेड खबर मिलती है. पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बोला है कि उनके देश के अंदर यहाँ पर 30,000 से लेकर 40,000 के आसपास मिलिटेंट्स हैं जिनको अफगानिस्तान और कश्मीर के अंदर ट्रेन किया गया है, जो कि आज भी पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं. अब ये जो पर्टिकुलर स्पीच है ये कहीं ना कहीं यहाँ पर एक नेगेटिव जा रही है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि यहाँ पर अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट के अंदर पहले ही पाकिस्तान है. अक्टूबर के अंदर उम्मीद है कि वो ब्लैक लिस्ट के अंदर ही आ जाएगा. पाकिस्तान ने यहाँ पर जो शेड्यूल 4 है अपना एंटी टेररिज्म एक्ट के अंदर, उसके अंदर सिर्फ 8,000 एक्टिव मिलिटेंट्स को ही बैन किया है. तो यहाँ पर जो स्पीच के अंदर जो फिगर्स हैं और जिन लोगों को बैन किया गया है उनके ही बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है. ये इंडिकेट करेगा कि इंडिया वाज कंसीडरिंग मेकिंग द रिमार्क अ पार्ट ऑफ इट्स सबमिशन. इस पर्टिकुलर चीज़ को इंडिया पेश करेगा अगली मीटिंग के अंदर. इंटरनेशनल टेरर फाइनेंसिंग वॉचडॉग हमारी जब FATF की होगी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो FATF है वो यहाँ पर दो चीज़ों से डील करती है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, दैट इज़ अबाउट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग. ओके, तो इन चीज़ों से यहाँ पर डील करती है. OECD के अंदर इसको बनाया गया था.
ऑल दो पाकिस्तान की सरकार ने नेशनल एक्शन प्लान लॉन्च किया था टेररिज्म के खिलाफ अगेंस्ट द पेशावर स्कूल अटैक इन दिसंबर 2015, पर यहाँ पर उस पर्टिकुलर प्लान को इम्प्लीमेंट करना पिछले ही साल यहाँ पर पाकिस्तान ने स्टार्ट किया, और वो भी हमें कॉस्मेटिक स्टेप नज़र नहीं आ रहे हैं, ऐसे स्टेप नहीं नज़र आ रहे हैं कि उसका यहाँ पर बड़ा असर हो। ओके, तो एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। पेज नंबर 13 पे आगे बढ़ते हैं। शुगर मिल्स बैक मूव टू बिल्ड 4 मिलियन टन बफर। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने दो बड़े बड़े डिसीजन लिए। पहला डिसीजन ये है कि बफर स्टॉक यहाँ पर बढ़ाया जाएगा शुगर का। इसके साथ साथ सेंटर ने यहाँ पर बोला कि हॉल्ट किया जाएगा यहाँ पर रेजिंग ऑफ द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जितने भी यहाँ पर शुगर मिल्स हैं वो इस पर्टिकुलर डिसीजन के बाद खुश हैं, और कहीं ना कहीं ये डिसीजन जो शुगर के प्राइसेस में यहाँ पर ऊपर नीचे हो रहा है, जो डिमांड सप्लाई में ऊपर नीचे हो रहा है, उसे कंट्रोल करने के लिए बड़ा स्टेप उठाया जा रहा है। पेज नंबर 14 पे आगे बढ़ते हैं। खबर मिलती है चाइना सेज इट वॉन्ट्स सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी अलॉन्ग इंडियन बॉर्डर्स। तो चाइना की मिलिट्री ने यहाँ पर एक बड़ा सिग्नल दिया है, बेसिकली एक व्हाइट पेपर सामने आया, व्हाइट पेपर मतलब कंसल्टेशन, एक पेपर, एक सजेशन सामने आए हैं जिसका यहाँ पर टाइटल था चाइनाज नेशनल डिफेंस इन द न्यू एरा। तो यहाँ पर एक चीज़ को सिग्नल किया गया है कि इंडिया के साथ चाइना के जो रिलेशन है वो इम्प्रूव हो रहे हैं, बट यूएस के साथ जो रिलेशन है वो बहुत ख़राब हो रहे हैं, और ख़राब होने का सबसे बड़ा कारण है यहाँ पर ताइवान की पॉलिसी, क्योंकि ताइवान ने यूएस से यहाँ पर वेपन्स इम्पोर्ट करने का फैसला किया था, और उसके बाद यहाँ पर चाइना ने ताइवान के ऊपर लगा दिए सैंक्शंस। यहाँ पे बोला गया कि इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर इशू है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, अब वहाँ पे स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी को प्रमोट किया जा रहा है, फेवरेबल कंडीशन आ गई हैं, अब बिल्कुल सही हो चुका है डोकलाम इशू के बाद। साथ ही चाइना हैज़ टेकन इफेक्टिव मेजर्स टू क्रिएट फेवरेबल कंडीशन जिससे एक पीस रेजोल्यूशन डोकलाम स्टैंड ऑफ के बाद हो सके। पर यूएस के लिए यहाँ पर चाइना के इस व्हाइट पेपर के अंदर बोला गया कि ट्रेड वॉर चल रही है, व्हाइट पेपर हैज़ गॉन बैलिस्टिक स्पेशली रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ ताइवान, और बीजिंग एजर्ट्स इट्स डे ज्यूरी सॉवरेनिटी ओवर दी ताइवान। चाइना और यूएस ने यहाँ पर एक दूसरे के जो बीच में टेंशन थी उसको हाइटन भी किया था पिछले महीने, जब यहाँ पर स्टेट डिपार्टमेंट ने क्लियर कर दिया था 2.2 बिलियन वर्थ वेपन सेल्स, जिसके अंदर यहाँ पर जनरल डायनामिक कॉप्स और यहाँ पर कुछ टैंक्स थे, और ये सब चीज़ें वो ताइवान को दे रहे थे। चाइना ने भी थ्रेटन किया यहाँ पर और इम्पोज किए सैंक्शन ऑन यूएस कंपनीज एंगेजिंग इन ट्रेड विद दी ताइवान। तो ताइवान का मुद्दा है जो कि चाइना और यूएस के बीच में हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पेज नंबर 15 पे खबर मिलती है इंडिया राइजेस इन ग्लोबल इनोवेशन रैंकिंग। ग्लोबल इनोवेशन रैंकिंग कौन निकालता है? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इन सीड और CII ने यहाँ पर निकाला। इंडिया की परफॉर्मेंस पहले से बेहतर हुई है, इंडिया की जो रैंक है अब वो है 52। आप यहाँ पे देखो 2015 में हमारी 81 थी, 16 में 66, 17 में 60, 18 में 57, और अब हो गई हमारी 52। मोस्ट इनोवेटिव नेशंस हैं यहाँ पर, नंबर वन स्विट्जरलैंड, स्वीडन, US, नीदरलैंड और यहाँ पर UK। बाकी पिलर्स की अगर हम लोग बात करें तो डिफरेंसेस की अगर हम लोग बात करें पिलर्स के अंदर देखें तो इंडिया के यहाँ पर बेस्ट इंप्रूवमेंट नॉलेज टेक्नोलॉजी आउटपुट मार्केट सोफिस्टिकेशन और ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च के अंदर रही है। ओके, तो इंडिया कंटिन्यूज टू बी द मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी, खासकर अगर हम लोग सेंट्रल और सदर्न एशिया को कंपेयर करें। ओके, तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंडिया आगे रहा है, इंडिया इज कंसिस्टेंटली अमंग द टॉप इन द वर्ल्ड जो कि यहाँ पर इनोवेटिव ड्राइव्स कर रहे हैं, खासकर ICT सर्विस एक्सपोर्ट्स के अंदर, जो साइंस के अंदर जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं, इंजीनियरिंग के अंदर जो ग्रेजुएट्स हैं, क्वालिटी जो है हमारी यूनिवर्सिटीज़ की, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है, ये सब चीज़ें यहाँ पर हमारी बेहतर हो रही हैं। रिपोर्ट ने इस चीज़ को भी हाईलाइटन किया कि इंडिया स्टैंड्स आउट इन द वर्ल्ड्स टॉप साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर विद बेंगलुरु, मुंबई, न्यू दिल्ली, और ये टॉप 100 ग्लोबल क्लस्टर्स के अंदर आते हैं। इसी के साथ साथ पेज नंबर 15 पे एक और चीज़, इंडिया चाइना टू ओवरटेक US इन टेक इनोवेशन। यहाँ पे बूमरैंग न्यू इकोनॉमिक ग्लोबल सर्वे की रिपोर्ट सामने आई है जिसका कहना है कि इंडिया और चाइना यहाँ पर टेक इनोवेशन में US को क्रॉस कर जाएंगे बाय 2035। तो ये एक इंपॉर्टेंट जो लाइन है ये हमें देखने को मिली। पेज नंबर 16 पे खबर मिलती है US टू इफेक्ट स्टीप हाइक इन EB5 चार्जेस। तो यहाँ पर US EB5 वीज़ा चार्जेस को यहाँ पर बढ़ाने वाला है, तो ये एक खबर है आपके लिए। क्या इंपॉर्टेंट है कि ये EB5 वीज़ा है क्या, सबसे पहले तो ये समझते हैं। EB5 वीज़ा प्रोग्राम, इसको पॉपुलरली ग्रीन कार्ड फॉर ग्रीन बैक स्कीम के नाम से जानते हैं। EB5 प्रोग्राम को 1990 के अंदर क्रिएट किया गया था विद द अप्रूवल ऑफ द US कांग्रेस।
यहाँ पर इसका मेन मकसद है कि अमेरिका की इकोनॉमी को बूस्ट करना, जिससे अमेरिका के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ सके और बाहर के देशों के लोग अमेरिका के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। 1992 के अंदर इसका स्कोप था, उसको वाइडन किया गया थ्रू द इमिग्रेशन इन्वेस्टर प्रोग्राम और द रीजनल सेंटर प्रोग्राम। तो सिंपली अगर मैं बताऊं तो जो रिच एंटरप्रेन्योर्स हैं, अगर वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं अमेरिका के अंदर और बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यूएस उनको अपॉर्चुनिटी देता है कि वो यूएस का ग्रीन कार्ड ले सकते हैं। तो मेन बात ये है EB-5 प्रोग्राम के अंदर। पेज नंबर 18, टोक्यो के अंदर होने वाले हैं 2020 ओलंपिक्स, उनके मेडल का डिज़ाइन सामने आ गया है, आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताई गई कि मेडल के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम लोग रिसाइकल्ड मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनको पुराने ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स से कलेक्ट किया जा रहा है। इन्वर्टिब्रेट्स हमारे वो एनिमल्स होते हैं जिनके पास बैकबोन नहीं होती है, विदाउट बैकबोन होते हैं। तो रिसेंट स्टडी यहाँ पर की गई ऑन प्रिस्क्राइब्ड बर्निंग ऑफ द लार्ज टैक्स ऑफ ग्रासलैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटेंड अनरेगुलेट्स इन द एराविकुलम नेशनल पार्क, जो कि एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वेस्टर्न घाट्स के अंदर। पर वहाँ पर हम लोग बर्निंग तो कर रहे हैं जिससे वहाँ पर जो बाकी जो इन्वेजिव स्पीसीज़ हैं वो ना आए, बट उसकी वजह से जो हमारे एंडेमिक इन्वर्टिब्रेट्स हैं जिसमें ग्रासहॉपर एक इम्पॉर्टेंट है, तो उनके ऊपर भी यहाँ पर खतरा हो रहा है, हम लोग उन्हें मिस कर गए हैं। ग्रासहॉपर्स आर सेंसिटिव टू ग्रासलैंड मैनेजमेंट और वो एक इंडिकेटर होते हैं ग्रासलैंड की क्वालिटी का, हेल्थ का, रिस्टोरेशन सक्सेस का। तो यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर बताया गया कि ग्रासलैंड के बारे में अगर हम लोग बात करें, दे आर मैनेज्ड बाय प्रेस्क्राइब्ड कोल्ड बर्निंग। तो कोल्ड सीजन में यहाँ पर बर्निंग की जाती है विद द हेल्प ऑफ लोकल ट्राइबल कम्युनिटी। बर्निंग यहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है ऑन 90 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द पार्क और डिवाइड किया जाता है इसको 50 हेक्टेयर की ग्रिड के अंदर। जो रिकवरी प्लान है वो चलाया जाता है। सिंस द टारगेट ऑफ द मैनेजमेंट इज टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ अ मैमल स्पीसीज, बाकी के ऊपर जो इम्पैक्ट है उसको निगलेक्ट कर दिया गया, खास करके इनवर्टिब्रेट्स के ऊपर। तो उस चीज़ को यहाँ पर इस आर्टिकल ने बोला। पेज नंबर 22 में खबर मिलती है मिल्की वेज वायलेंट बर्थ डी कोडेड। यहाँ पर हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के बारे में बात की जा रही है कि मिल्की वे जो कि यहाँ पर हमारे सोलर सिस्टम को भी रखती है, जो कि सोलर सिस्टम एक बहुत छोटा सा पार्ट है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का, वो किसी समय यहाँ पर एक छोटी गैलेक्सी से यहाँ पर मर्ज हुई होगी रफली 10 billion years ago। और यहाँ पर एक गैलेक्सी होगी गिया एनसेलेडस, आप ये देख सकते हो ब्लू वाली, जो कि हमारी मिल्की वे के साथ मर्ज हुई होगी। और इसके बाद यहाँ पर जो कलर है वो इस तरीके के आ गया और यहाँ पर हमें एक मर्जिंग गैलेक्सी देखने को मिलती है। मर्जर के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो करेंटली जो हमें मिल्की वे गैलेक्सी देखने को मिलती है वो मर्जर है यहाँ पे गिया एनसेलेडस और मिल्की वे प्रोजेनिटर का। तो उसके इस यूनियन के बारे में बात की गई है। तो ये आपके लिए एक आर्टिकल है। नीचे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसके नोट्स डाउनलोड कर लेना। पेज नंबर 22 पे खबर मिलती है इंडियाज फर्स्ट ड्रैगन ब्लड ऊजिंग ट्री। तो असम के अंदर यहाँ पर एक बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई है, असम ने ऐड किया है इंडिया के बोटानिकल बेल्ट के अंदर एक बड़ा प्लांट जिसको बोलते हैं यहाँ पर ड्रैगन प्लांट, जो कि ड्रैगन ब्लड अपने अंदर से देता है। इसके अंदर से एक ऑयल टाइप चीज़ निकलती है, एक ब्राइट रेड रेजिन से यहाँ पर होते हैं और जिनका इस्तेमाल मेडिसिन, बॉडी ऑयल, वार्निश, इंसेंस, डाइस इनके अंदर किया जाता है। तो पहली बार है कि कोई ड्रैगन स्पीसीज का ट्री इंडिया के अंदर रिपोर्ट किया गया। ऑल दो और भी ट्रैकिनिया जीनस के बिलोंगिंग स्पीसीज होते हैं हिमालय में, अंडमान निकोबार में देखने को मिलते हैं, बट ये स्पीसीज ड्रैकिना कैम्बोडियाना इज द ओनली ट्रू ड्रैगन स्पीसीज ट्री। तो वो यहाँ पर हम लोगों को असम के अंदर देखने को मिला है। सो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको याद रखना, प्रीलिम्स रिलेवेंट फैक्ट है। आज के लेक्चर में बस इतनी खबरें थी, कैसा लगा आप लोगों को लाइक का बटन दबाकर आप लोग मुझे बता सकते हो। वीडियो का एंड करते हैं, सो लव एंड पीस फ्रॉम माई साइड, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर गाइस, and have a great day ahead. Bye-bye, take care.